रिस्पेक्टेड ऑडियंस, इस वीडियो में आपको अपडेट करेंगे कि लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर कब होगा और लिटरेसी मोबिलाइजर और मॉनिटर के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्या 4 साल डिग्री होल्डर एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर और मॉनिटर्स के इंटरव्यू हो रहे हैं उन पे बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर कब होगा। लिटरेसी मोबिलाइजर के पेपर होने में डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इशू नहीं है, ठीक है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ये अपना इशू है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा और टाइम लगेगा उनको पेपर लेने में। अब बात करते हैं कि मॉनिटर्स और लिटरेसी मोबिलाइजर के वो कैंडिडेट्स जिनकी डिग्री 4 साल है, क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं BS 4 ईयर वाले। देखिए जी, कॉमन सेंस की बात है, BS 4 ईयर 16 ईयर की क्वालिफिकेशन है आपकी, MA MSc के इक्वल हैं। मॉनिटर्स और लिटरेसी मोबिलाइजर की रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन थी, 14 ईयर एजुकेशन थी। अगर 14 ईयर एजुकेशन थी तो 16 वाले ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले क्यों एलिजिबल नहीं हैं? आप सब लोग एलिजिबल हैं। पहले भी मैंने ऑथेंटिक वे से आप लोगों को डिपार्टमेंट से पूछ के बताया था और आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से अगेन कंफर्म किया है, और वो लोग जो इंटरव्यू दे के आ रहे हैं वो ख़ुद भी आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई इशू नहीं है। उनका इंटरव्यू भी हुआ है, उनको 15 डेज़ का टाइम दिया गया है कि इक्विवेलेंट जमा करवा दें जो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का है। और अगर आपके पास नहीं है तो बाद में उनको सेंड कर दें, उस टाइम ना हो इंटरव्यू वाले दिन इंटरव्यू टाइम पे, तो आप उनको बाद में सबमिट करवा दें। 15 डेज़ का टाइम होता है। आप लोग MA MSc के बराबर हैं और लिटरेसी मोबिलाइजर और मॉनिटर की जॉब के लिए ग्रेजुएशन 14 ईयर की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी। आप सब लोग एलिजिबल हैं और इंशाल्लाह देखिएगा, जब लिटरेसी मोबिलाइजर और मॉनिटर्स में से लोगों की सिलेक्शन होगी तो ज़्यादातर 4 ईयर डिग्री होल्डर वाले होंगे जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा अच्छी होगी। जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उतना ही कैलिबर भी ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा कैलिबर वाले लोग सिलेक्ट होंगे या कम कैलिबर वाले सिलेक्ट होंगे, आप खुद भी सोचिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के इंटरव्यू शेड्यूल पे, जो मुल्तान में 9 मई और लाहौर में 12 मई तक अपलोड हो चुका है, और मॉनिटर्स का इंटरव्यू शेड्यूल लाहौर में 12 मई, सरगोधा में 9 और फैसलाबाद में 12 मई तक अपलोड हो चुका है। और वो कैंडिडेट्स जिनको अभी तक इंटरव्यू का कॉल लेटर नहीं मिला तो इंशाल्लाह 3 दिन पहले मिल जाएगा। परेशान ना हो, मैसेज भी आ जाएगा, मेल भी आ जाएगी और आपका कॉल लेटर भी अपलोड हो जाएगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे। आप अपने इंटरव्यू की तैयारी जारी रखें। तो इसके अलावा कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।